हेलो गाइस, टेक्नोफाहद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि सिविल स्कोर डिक्रीज़ क्यों होता है। दोस्तों, ऐसी काफ़ी वजह होती है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डिक्रीज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्या क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। दोस्तों, ये जो मैंने सिविल स्कोर पर जो वीडियो मैंने बनाई, असल में होता क्या है कि मैं मेरी जितनी भी सारी वीडियो हूँ, सारी वीडियो को मैं अक्सर कमेंट पढ़ता रहता हूँ डेली। वैसे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जिनके रिप्लाई देने वाले होते हैं मैं उसी टाइम रिप्लाई दे देता हूँ। वरना मैं क्या करता हूँ, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आते हैं मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपका भी कोई भी सवाल हो या किसी भी तरह की आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर मैं बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सिविल स्कोर की बात करें तो ये डिक्रीज़ कम कैसे हो जाता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों के ऐसे मन में ख्याल होते हैं कि अगर वो कई सारे बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, मान लीजिए उनका एक बैंक अकाउंट है, उन्होंने दो बैंक अकाउंट अगर खुलवा लें तो उसकी वजह से कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, बैंक अकाउंट आप जितने भी खुलवा लिए उससे आपका सिविल स्कोर से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप ये सोचना बंद कर दिए कि ज़्यादा बैंक अकाउंट अगर आप खुलवाएंगे तो उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर कम होगा। सिविल स्कोर आपका किस तरह से कम होता है, ऐसी क्या वजह होती है सिविल स्कोर कम होने के, देखिए कई सारी वजह होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर आपने टाइम से अपनी ईएमआई पे नहीं की, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर कम होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अपने टाइम से ईएमआई पे करते हैं उसके बावजूद भी उनका सिविल स्कोर डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है हम आगे वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं सिविल स्कोर कैसे कम होता है। सबसे पहली वजह ये होती है कि आपका सिविल स्कोर इस वजह से भी कम हो सकता है कि अगर आपने टाइम से अपनी ईएमआई नहीं पे की है तो उसमें आपके क्या होता है कि बाउंसिंग लग जाती है, उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। अब बहुत से केस में ऐसा भी होता है कि अगर आप टाइम से पे कर रहे हैं अपनी ईएमआई, उसके बावजूद जो है सिविल स्कोर आपका अगर कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये हो सकता है कि आपके अगर काफ़ी सारे लोन चल रहे हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि आप बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके इतने सारे लोन चल रहे हैं उसके बावजूद भी आप कोई नया लोन अप्लाई करते हैं, अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है या आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं, मतलब फाइनेंशियल जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसमें अगर आपका रिजेक्ट होता है या अप्रूव हो जाता है उसके बावजूद भी आपका सिविल स्कोर कम हो सकता है। क्योंकि आप ये पहले कोशिश किया करिए, मान लिया आपके तीन चार अगर लोन चल रहे हैं, किसी भी तरह के तीन चार अगर आपके लोन की ईएमआई चल रही है तो आप ये पहले कोशिश किया करिए कि जिसमें से आप दो तीन लोन पहले बंद कर दिए उसके बाद आप नया लोन अप्लाई करिए या नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, उसमें आपके चांसेस होते हैं कि आपका सिविल स्कोर कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके तीन चार लोन चल रहे हैं उसके बावजूद आप फिर से नया लोन अप्लाई करते हैं या नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके चांसेस होते हैं कि आपका सिविल स्कोर उसकी वजह से भी कम हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका जब बाउंसिंग लगेगी या ओवरड्यू लगेगा तभी आपका सिविल स्कोर कम हो। तो ये भी सारी बातें, क्योंकि जितनी भी आप फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं ये सारी एक्टिविटी आपके सिविल हिस्ट्री में आपकी अपडेट होती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर कम होगा। तो ये जो मतलब काफ़ी लोगों के जो कमेंट मैंने देखा कि वो ये पूछ रहे थे कि बैंक अकाउंट खोलने से, मतलब ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलने से भी क्या सिविल स्कोर कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक अकाउंट से सिविल स्कोर का कोई मतलब नहीं होता है, जो फाइनेंशियल आपकी एक्टिविटी होती है जो उससे अगर आप जैसे लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसमें आप अगर बाउंसिंग करते हैं या टाइम से ईएमआई पे नहीं करते तो उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर ज़रूर कम हो सकता है। तो ये सारी बातें थी जो इस वीडियो मैंने क्लियर कर दी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।